अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर समझता है, लेकिन भारत ने अमेरिका को उसकी सही जगह दिखाई। जर्मनी और अमेरिका को बयानबाजी महंगी पड़ गई है। इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है और बताया कि भारत के आंतरिक मामलों में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। इंडिया ने जो जिस तरीके से डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो पाकिस्तान भी सुपर कंट्री, सुपर पावर जैसे कंट्री को इस तरीके से कोई स्टेट। पेट्रोल 50 रुपए लीटर तक महंगा करो, IMF की नई शर्त आ गई। मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने बयानबाजी कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार। 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहाँ पे रगड़ा। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज है कि इंडिया ने अमेरिका को वॉर्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दी। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस इकोनॉमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना, कहते मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तार साहब, एक साल में ये दूसरी दफा है कि इंडिया ने अमरीकी डिप्लोमेट को समन किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये सिख इशू हुआ था, सिखों के हवाले से जो इशू हुआ था, तब समन किया था जब सैन फ्रांसिस्को में जब हमले हुए थे। और अभी जो है, जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया के डोमेस्टिक जो प्रोसेसेस हैं उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है, और साडे पंजाबी कहते हैं उन्नी भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीजों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबॉडी, आर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबॉडी एल्स, पुरानी आते हैं इनकी, खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि दो वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से दो वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने, जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशियल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वॉचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशियल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है, और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबॉडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी, लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते उन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैक फुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने आपके भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तीन, आगे से उन्होंने जवाब देने में तीन पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है, दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं, और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। आप अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है।
तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है, अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी दो चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, वो बहुत परेशान हैं। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी, दो एक हफ्ते में दो दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब को, और सिर्फ उनको ये इन्होंने कहा है कि तुम्हारी कंपेन ठीक नहीं चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर दीवार अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग, अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको किस तरह रोकना है। यहां तक सोची जा रही है कि प्लान बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल ले जाया जाए ताकि डीमोरलाइज होकर वो इलेक्शन से बैकआउट करे। एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास, एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है, आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब, हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि मैं आपके साथ ट्रेड करूं, चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है, सबसे पहले रिजोल्व करते हैं कश्मीर इशू, कश्मीर उनका है, वहां पर उनकी फौज तैनात है, वहां पर उनकी इदारे हैं, कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपए लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपए लीटर है, अब कश्मीरी कहां मुफीद है, वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। तो सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज बनानी है, उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज है वो खुद नहीं बनाते, पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो ग्वादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो या फिर ईरान के साथ हो, पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें, आर्मी चीफ से बात करें, कौन है आपका मुल्क का बादशाह कौन है, वज़ीर-ए-आज़म से बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें, कौन है आपका मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कौन है, हैसियत किसकी है, पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन सी अख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। बिल्कुल ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की कि अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले ये बताएं हम पाकिस्तान के किस बंदे के साथ बात करें, पाकिस्तान को चला कौन रहा है, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। अब आप ये देखें कि जब हमारा दिल करता है हम इंडिया के साथ ट्रेड खत्म कर देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो घाटे में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बहाल होनी चाहिए, लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी अपने मुल्क में ख़त्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं करेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। अब आपने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज होना चाहिए, एज अ पाकिस्तानी आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कर दी है, क्योंकि मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी थी पहले हिंदुओं से हम बहुत कम थे, अगर हम मिसाल के तौर पर मैं प्लस कर देता हूँ 25 करोड़ आबादी हमारी है, 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है, ये कितने 55 करोड़ हो गए, और 20 करोड़ मुसलमान कहाँ पर है, बांग्लादेश में रहते हैं, ये तकरीबन हमारी आबादी बन गई 75 करोड़, और इंडिया में जो हिंदू है उनकी आबादी है 90 करोड़, अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते।